स्वागत है आपका हमारी गवर्नमेंट टोट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम डेट 1 और 2 अगस्त की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2018 के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं गोपाल कृष्ण गांधी, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं, जिनको 24 बार राजीव गांधी राष्ट्र सद्भावना पुरस्कार दिया गया है। अगला, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में समाज कल्याण योजनाओं में आधार अनिवार्यता को समाप्त किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। अगला, को हाल ही में कौन रूस ओपन खिताब जीतने वाले प्रथम भारत पुरस्कार पुरुष खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं सौरभ वर्मा, जो कि हैदराबाद के हैं। अगला, हाल ही में किन दो भारतीयों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत वाटवानी और सोनम बांगचुक को। अगला, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस प्रकार की नई कोशिकाओं की खोज की? तो ये की स्कूटोइड की। अगला, निम्न में से किस कंपनी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पछाड़कर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला, कौन सा राज्य हाल ही में बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है राजस्थान। अगला, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सतत शहरी विकास में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए जर्मनी ने।